आज हम क्रिस्कल्स एल्गोरिथम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस डायग्राम को हम कहते हैं वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ के अंदर तुम्हें तीन कंपोनेंट समझने की ज़रूरत है, वर्टाइसिस, एजेस एंड वेट्स। ये जो ए बी सी डी ई एफ तुम्हें दिखाई दे रहा है, इन कंपोनेंट्स को कहा जाता है वर्टाइसिस। और ये जो लाइन्स है जो इन वर्टाइसिस को कनेक्ट करती है, इन लाइंस को कहा जाता है एजेस। और हर एक लाइन का यानी कि हर एक एज का कोई ना कोई नंबर होता है, तो उस नंबर को कहा जाता है वेट ऑफ दैट एज, राइट। तो बेसिकली वेटेड ग्राफ क्या होता है, तुम लोग समझ गए। अब तुम लोग को ये समझने की ज़रूरत है कि स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होता है। स्पैनिंग ट्री का मतलब एक वेटेड ग्राफ का सब वेटेड ग्राफ बट विच फॉलोज दीज टू कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, दिस Is this diagram a sub-weighted graph of this weighted graph? Yes. इसके अंदर जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, इसके अंदर एक्स्ट्रा है, but basically this is a subset of this ना, तो basically this is a sub-weighted graph of this weighted graph. And does this diagram follows these two conditions? Yes. No loop. No loop का मतलब, loop का मतलब क्या होता है, ये एक loop है, ये एक loop है, ये एक loop है, ये एक loop है, ठीक है, बट यहाँ पे कोई लूप नहीं है, ये डंडा है नहीं यहाँ पे, वो तो मैंने खा लिया था पिछले लेक्चर में, राइट। तो नो लूप, एंड द सेकेंड पॉइंट इज सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड एंड कवर्ड होने चाहिए। क्या सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड एंड कवर्ड है? हाँ, सारे के सारे वर्टाइसेस कवर्ड है का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मतलब लाइक यहाँ पे जितने भी वर्टाइसेस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, कौन से वर्टाइसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ए बी सी डी ई एफ, सारे के सारे वर्टाइसेस यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब सारे के सारे वर्टाइसेस कवर्ड है। और सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड है का मतलब क्या होता है? देखो, सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड है, ऐसा कोई ड्वार्फ वर्टाइस नहीं है यहाँ पे, मतलब लाइक ऐसा कोई आइलैंड जैसा वर्टाइस नहीं है जो किसी भी बाकी के वर्टाइसेस के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, एवरी वर्टाइसेस इज कनेक्टेड, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्टाइस होता था विच इज़ नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू एनी वन, देन That would like then वो इस condition का उल्लंघन करता था, okay? In that case this diagram won't be a spanning tree. But क्योंकि ये एक sub weighted graph है of this weighted graph and this sub weighted graph follows these two conditions, तो इसका मतलब ये एक spanning tree है। और एक example ले लेते हैं, which is this, क्या ये एक sub weighted graph है of this weighted graph? Yes. जो भी चीज़ें इसमें हैं वो इसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। और क्या ये इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है? यस, yes, कोई भी लूप नहीं है यहाँ पे, तो नो लूप कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एंड सेकंड इज सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड और कवर्ड होने चाहिए, तो सारे के सारे वर्टाइसेस देखो कवर्ड है, ए बी सी डी ई एफ, सारे के सारे वर्टाइसेस कवर्ड है। एंड द सेकंड कंडीशन इज सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड होने चाहिए, सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड भी है, तो बेसिकली ये एक दूसरा स्पैनिंग ट्री है, राइट। अब हम इन दोनों स्पैनिंग ट्रीज के कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तुम्हें सिंपली बस इन सारे के सारे वेट्स को ऐड करना होता है, 5 + 5 = 10 + 10 = 20 + 5 = 25 + 6 = 31, तो इस स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट है 31। 5 + 5 = 10 + 10 = 20 + 8 = 28 + 6 = 34, तो इस स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट है 34। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में से विच इज़ द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, ऐसा कौन सा स्पैनिंग ट्री है जिसका कॉस्ट मिनिमम है? ये एक ऐसा स्पैनिंग ट्री है जिसका कॉस्ट मिनिमम है फ्रॉम द एग्जाम्पल्स विच आई हैव गिवन, राइट। अब इन रियलिटी ये जो वेटेड ग्राफ है इसके बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज है, ये दोनों तो बस मैंने तुम लोग को एज एन एग्जाम्पल बताए थे, बट इन रियलिटी इस वेटेड ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज है। अब अगर एक्चुअल जो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है वो अगर हमें निकालना है, तो क्या इस वेटेड ग्राफ के सारे स्पैनिंग ट्रीज हमें निकालते बैठने पड़ेंगे, फिर उनकी कॉस्ट निकालनी पड़ेंगी और फिर जाकर हमें एक मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री मिलेगा? क्या इतना बड़ा गोलमाल हमें करना पड़ेगा? यस, करना है तो तुम कर सकते हो, तुम्हें तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा, बट उसके लिए तुम्हें बहुत सारा टाइम लगेगा, उसके लिए तुम्हें बहुत सारा एफर्ट्स लगेगा। और इसीलिए हमारे पिक्चर में दो एल्गोरिथम्स आते हैं जो हमें एक वेटेड ग्राफ का मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकाल के दे सकते हैं विथ मिनिमम एफर्ट्स,
विथ मिनिमम टाइम, और उन दो अल्गोरिदम्स में से एक अल्गोरिदम है क्रिस्कल्स अल्गोरिदम बेबी। अब हम ये समझते हैं कि क्रिस्कल्स अल्गोरिदम एक वेटेड ग्राफ का मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कैसे निकाल के दे सकता है। अब हमारे पास ये वेटेड ग्राफ है, अब इस वेटेड ग्राफ का हमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ढूंढना है विद हेल्प ऑफ क्रिस्कल्स अल्गोरिदम। अब क्रिस्कल्स अल्गोरिदम ये कहता है कि जो भी वेटेड ग्राफ तुम्हें दिया गया है, उस वेटेड ग्राफ के जितने भी एजेस है, उन सारे के सारे एजेस को हमें असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्टेप में अरेंज करना है। और इसीलिए सबसे पहले स्टेप में हम वही करते हैं, अरेंज ऑल एजेस इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स। सबसे छोटा वेट किस एज का है यहाँ पे? इस एज का है, विच इज़ ए एफ, और इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ए एफ। उसके बाद अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो कौन सा एज नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट इज 11 के बाद 14, विच इज सी डी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा सी डी। अब 14 के बाद ऑब्वियसली आएगा 16, व्हाट इज 16? बी जी, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा बी जी। देखो अब 16 के बाद 17 आएगा, दैट इज ई एफ, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा ई एफ। अब 17 के बाद 18 आएगा, विच इज बी सी, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा बी सी। अब 18 के बाद 19 नहीं है, 20 है, विच इज डी जी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डी जी, 20। अब 20 के बाद 24 आएगा, विच इज डी ई, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा डी ई। और 24 के बाद आएगा 26, विच इज ई जी, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट इज ई जी। और लास्ट इज 30, विच इज द बिगेस्ट एज, और इसीलिए लास्ट इज ए बी। देखो ए बी, अब अगर तुमने यहाँ पे देखा तो ये सारे के सारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 30। तो समझ में आ गया, क्रिस्कल्स अल्गोरिदम यही कहता है कि पहले स्टेप में सारे के सारे एजेस तुम्हें अरेंज करने हैं इन एन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रिस्कल्स अल्गोरिदम आगे ये कहता है कि तुमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे एजेस, ठीक है, दैट्स फाइन। अब तुम्हें मैदान खाली करना है ताकि उसके ऊपर तुम तुम्हारी कलाकारी दिखा सको विद हेल्प ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। इसीलिए हमें अगले स्टेप में हमारा मैदान खाली कर देना है। अब मैदान खाली कर देने का मतलब क्या है? मैदान खाली कर देने का मतलब ये होता है कि क्योंकि हमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना है, इसीलिए हम ये सारे के सारे एजेस हटा देंगे और बस ये जो नोड्स है वो रखेंगे। तो हमने वो कर दिया। अगले स्टेप में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? कंस्ट्रक्ट अ फॉरेस्ट ऑफ 7 पार्शियल ट्रीज ईच विद अ सिंगल नोड। मतलब बेसिकली सारे के सारे नोड्स ऐसे कैसे लिख दो और एजेस गए तेल लेने। ठीक है, अब अगला स्टेप। अगले स्टेप से हमें एक एक करके इन एजेस को इंक्लूड करना है उस मैदान के अंदर जो हमने खाली किया था। अब वो कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या कहता है? इंक्लूड अ मिनिमम वेटेड एज ए एफ टू कनेक्ट ए एन एफ। सबसे मिनिमम वेटेड एज कौन सा है? ए एन एफ। तो इसीलिए हम ए एन एफ को सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, विच इज कनेक्ट हो गया ए एन एफ, विच इज 11। आगे अगला जो वेटेड एज है उसको हम कनेक्ट करेंगे, विच इज सी डी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इंक्लूड नेक्स्ट मिनिमम वेटेड एज सी डी टू कनेक्ट नोड सी एन डी। तो सी डी को हमने कनेक्ट किया, सी डी क्या था? सी डी 14 था। आगे अगला मिनिमम वेटेड एज हम इंक्लूड करेंगे, आगे क्या है? बी जी। ए एफ हो गया, सी डी हो गया, बी जी। अब बी जी हमने कनेक्ट कर दिया, विच इज 16। देखो 16 था बी जी, हमने कनेक्ट कर दिया। और वही सेम लाइन लिखेंगे, इंक्लूड नेक्स्ट मिनिमम वेटेड एज बी जी टू कनेक्ट नोड बी एन जी, राइट। आगे अगला मिनिमम वेटेड एज, विच इज ई एफ। तो सेम लाइन, ई एफ हमने कनेक्ट कर दिया, देखो ई एन एफ कनेक्ट कर दिया, 17, राइट। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट मिनिमम वेटेड एज ई एफ हो गया, बी सी। व्हाट इज बी सी? बी सी इज 18। तो हमने बी सी भी कनेक्ट कर दिया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अब आगे क्या? अगला मिनिमम वेटेड एज, अगला मिनिमम वेटेड एज जो है दैट इज डी जी। बट
अगर तुमने यहाँ पे डीजी को कनेक्ट कर दिया, देखो अगर तुमने यहाँ पे डीजी को कनेक्ट कर दिया तो ये एक लूप बन जाता है। देखो अगर तुमने स्टार्टिंग में अगर तुमने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा होगा तो तुम्हें ये पता होगा कि स्पैनिंग ट्री का एक कंडीशन होता है विच इज लूप्स नहीं चाहिए, नो लूप्स, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने डीजी को कनेक्ट किया तो इट वुड बी अ लूप। यहाँ पे देखो लूप बन रहा है, तो इसीलिए हम डीजी को नहीं कनेक्ट करेंगे, डीजी को हम रिजेक्ट कर देंगे। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें करती है, गर्लफ्रेंड बनने से पहले, व्हाटएवर। तो यहाँ पे हमने लिखा है नेक्स्ट मिनिमम वेटेड एच इज डीजी, बट इफ कनेक्टेड इट वुड फॉर्म अ लूप, सो वी इग्नोर इट एंड कनेक्ट द नेक्स्ट मिनिमम वेटेड एच। व्हाट इज द नेक्स्ट मिनिमम वेटेड एच? डीजी के बाद क्या है? डीजी के बाद है डीई। तो जो डीई है अगर उसको कनेक्ट किया तो क्या एक लूप बन रहा है? डीई को कनेक्ट करने के बाद कोई लूप नहीं बन रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट मिनिमम वेटेड एच को कनेक्ट करेंगे विच इज डीई। तो नेक्स्ट मिनिमम वेटेड एच डीई, दैट इज द नोड डी एन ई। ओके, तो डी एन ई विच इज द नेक्स्ट मिनिमम वेटेड एच, उसको हमने कनेक्ट किया विच इज 24 एज यू कैन सी विच योर नेकेड आईज, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, फाइनल मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हमें मिल गया, ठीक है। और वो कैसे? तुम लोग ये बोलोगे कि यार डी के बाद ई जी और ए बी तो है, उसको क्यों नहीं कनेक्ट करते? अगर हमने ई जी और ए बी को कनेक्ट कर दिया, देखो अगर ई जी को कनेक्ट किया तो ये लूप बनेगा। देखो अगर हमने ई जी को कनेक्ट किया तो ये लूप बनेगा, तो इसलिए ई जी रिजेक्ट कर दिया हमने। और अगर हमने ए बी को कनेक्ट कर दिया तो ये लूप बन जाएगा, तो इसलिए ए बी को भी हमने रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली अगर आगे किसी भी मिनिमम वेटेड एज को हमने कनेक्ट किया तो एक लूप बनने वाला है, और हमें लूप्स नहीं चाहिए, हमें लूप्स पसंद ही नहीं है। और इसीलिए आगे के जितने भी वेटेड मिनिमम वेटेड एजेस है उन सारे के सारे मिनिमम वेटेड एजेस को हम रिजेक्ट कर देंगे। और इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है इफ एनी मिनिमम वेटेड एज इंक्लूडेड इट वुड फॉर्म अ लूप, सो वी रिजेक्ट ऑल द अपकमिंग वेटेड एजेस। सारे के सारे अपकमिंग वेटेड एजेस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, और यही हमारा फाइनल मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनेगा। और अब इसका तुम्हें कॉस्ट भी तो लिखना पड़ेगा ना, हमने स्पैनिंग ट्रीज के कॉस्ट भी निकाले थे, तो इसीलिए ये जो तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है इसका तुम्हें कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सो द ट्री फॉर्म्ड अबव इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ गिवन ग्राफ विच कॉस्ट्स, सारे के सारे कॉस्ट्स ये जो है हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, और अगर तुमने इन सारे के सारे कॉस्ट्स को ऐड कर दिया तो तुम्हें मिलते हैं 100 यूनिट्स। नाउ व्हाट अबाउट द एल्गोरिदम ऑफ क्रुस्कल्स एल्गोरिदम? जहाँ तक मैंने फिगर आउट किया है यूनिवर्सिटीज़ को, नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ को एल्गोरिदम रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एल्गोरिदम पढ़ाओ तो एक तो नोट्स के अंदर मैंने एल्गोरिदम इंक्लूड किया है, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर लेक्चर बनाऊँ डेडिकेटेडली, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे या जितने कमेंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे ऐसे, तो मैं फटाफट तुम्हारे लिए क्रुस्कल्स एल्गोरिदम का एल्गोरिदम भी बना दूंगा। ओके, ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।